Hello and welcome to the Shilpa Shetty channel, and this is the art of loving foods. आज हम बनाने जा रहे हैं वेजी स्टफ्ड जुकीनी एंड इट इज एज फुलफिलिंग एज इट साउंड्स. जुकीनी का माइल्ड फ्लेवर लेट्स अस गेट रियली क्रिएटिव विद स्पाइसेस एंड अकॉम्पलीमेंट्स. दिस डिश इज अ डिलिशियस वेजिटेरियन वे टू अचीव अ रियली मीटी टेक्सचर बिकॉज इसमें हम लोग ब्रिंजॉल का इस्तेमाल करेंगे, बैंगन, एंड इट्स रियली सैटिस्फाइंगली लाइट. सबसे पहले हम अपने पाइन नट्स चिलगोजे, मुझे बड़े टेस्टी लगते हैं, उसे रोस्ट करते हैं. आई लव अ नटी फ्लेवर. जैसे कि आप देख रहे हैं, यू कैन सी अ लाइट ब्राउन कलर कमिंग ऑन द पाइन नट्स, और वो अपना ऑयल छोड़ना शुरू कर देता है. उससे पहले आप उसे निकाल दीजिए. सो यू टेक इट एंड यू टेक इट बैक इनटू दिस. तो अब हम अपनी फिलिंग की तैयारी शुरू कर देते हैं. उसके लिए हम लेते हैं, बहुत ही सिंपल रख रहे हैं, अगर आप चाहें तो आप इसे इंडियन स्टाइल में भी बना सकते हैं, जैसे आप बैंगन का भरता कैसे बनाते हैं वैसे ही. मैं इसे थोड़ा सा मेडिटेरेनियन और थोड़ा सा अलग टच देने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज आई वांट टू कीप इट वेरी लाइट. तो इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, करीबन एक छोटा स्पून, तीन गार्लिक, इमीडिएटली उसमें एक छोटा अनियन बारीक कटा हुआ, मीडियम गैस से उसको लो गैस पे रख के आप अपने ग्रिल पैन को अभी ऑन करिए, क्योंकि साथ ही साथ बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने जुकीनी को ग्रिल कर देते हैं बिफोर इट गोज इनटू द अवन. तो पैन को हॉट होने में एटलीस्ट 30 से 40 सेकेंड लगता है. तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने ऐसे जुकीनी से पूरा स्कूप आउट कर लिया है उसके सीड्स. इसे अचीव करना बहुत ही आसान है. यू जस्ट कट द जुकीनी डाउन इन द सेंटर, सेंटर से काटें आप. ठीक है, और आप एक शार्प सा स्पून लीजिए और उसको स्कूप आउट करिए. बहुत आसान है. ठीक है, यू जस्ट स्कूप इट आउट ऑल द सीड्स. एग्जैक्टली 2 मिनट्स, आई थिंक लेसर, 30 सेकेंड्स. ठीक है, ऐसे दिखने चाहिए. ये हो गया हमारा ग्रिल पैन भी तैयार. अब आप इसमें अपना बैंगन डालें. बैंगन, थोड़े से बेल पेपर्स, येलो कलर के और लाल कलर के, ताकि थोड़ा सा कलर ऐड हो जाए इस डिश में. अगर आपको स्पाइसी खाना अच्छा लगता है तो आप इसमें मिर्ची भी डाल सकते हैं, तो हरी कटी हुई मिर्ची. और अगर आपको थोड़ा सा कम स्पाइस रखना है तो आप यू मेक श्योर दैट आप मिर्ची को सेंटर से काट के उसके बीज निकाल दें और फिर मिर्ची का इस्तेमाल करें. सो दैट्स अ रियली गुड टिप टू यूज. सो आई पुट अ बिट ऑफ मिर्ची, थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल, ऑलिव ऑयल अगर आप यूज़ करना चाहें. सो वी जस्ट ग्रिल आर जुकीनी. एक और, क्योंकि मैंने ऑलरेडी तैयार किया हुआ है, इसे भी मैं कर देती. बहुत ही सिंपल डिश है ये. इसे आप टर्न करें, you see a nice color.
ये सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा इसका लुक अच्छा लगे, क्योंकि ये एनीवेज हम लोग अवन में डाल ही रहे हैं। इस तरफ हमारा फिलिंग जो है पक रहा है। से थोड़ा सा नीचे प्रेस डाउन करिए ताकि यू गेट अ लिटिल मोर ऑफ दोस चार्ग्रिल लाइंस ऑन द ज़ुकीनी। सेम थिंग विद दिस साइड एज वेल। ऐसे प्रेस डाउन करिए। ये हो गया तैयार। नाउ वी जस्ट ऐड द सीजनिंग, 1 teaspoon, maybe little half more, ठीक है? And we add a bit of the coriander. ठीक है? एंड में आप थोड़ा सा एक आधा टमाटर डाल दें। इस ग्रिल को ऑफ कर दीजिए और उसे उलट दीजिए। दिस इज एग्जैक्टली हाउ आई वॉन्ट इट टू लुक। अब आप इसमें पाइन नट्स ऐड कर दीजिए जो पहले से रोस्ट किए गए हैं। इसमें अब जाएगा हमारा सॉल्ट। सी सॉल्ट इस्तेमाल करें, इट्स फार हेल्दियर। लेस सॉल्ट मोर पेपर, करीबन आधा चम्मच पेपर। इसमें आप थोड़ा सा लाल मिर्च अगर डालना चाहें आप वो भी डाल सकते हैं। अगर आप इटालियन सीजनिंग नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसमें गरम मसाला, जीरा, कोरिएंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इट रियली डिपेंड्स ऑन हाउ यू वांट टू ईट इट। ये हो गया हमारा मसाला तैयार। अब हम इसे बेकिंग ट्रे में डालेंगे। थोड़ा सा जस्ट लाइटली कवर योर ट्रे। हो गया अब हम क्या करेंगे, इस मसाले को इसके अंदर डालेंगे, लेकिन उससे पहले विल जस्ट स्क्वीज अ बिट ऑफ लाइम ऑन इट, जस्ट आधा लेमन, क्योंकि ज़ुकीनी में कोई वैसे टेस्ट नहीं होता, सो यू जस्ट वांट टू गिव इट अ स्लाइट टैंगी फील, दैट्स ऑल। जस्ट पुट अ डैश ऑफ सॉल्ट ऑन इट। अब हम इसे भर देंगे। तो इसे हम अब ग्रिल में डालेंगे। So dig in this super amazing and healthy dish. After all, you are what you eat. So why not make it a healthy treat? It's time for me to sign off. But don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. Tab tak ke liye, swasth raho, mast raho.